press the bell icon on the YouTube app and never miss a सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी और दबंग वकील नाज़िया अली खान जी का बेबाक इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। मैं पूछना चाहती हूँ कि आज देश इतना आगे निकल गया, आज दुनिया इतनी आगे निकल रही है, आज दुनिया तरक्की कर रही है, आज दुनिया टेक्नोलॉजी साइंस को छू करके उससे भी आगे निकल रही है, आज दुनिया रॉकेट बना रही है, आज दुनिया हेलीकॉप्टर बना चुकी है, आज भारत के लोग चांद और सूरज पर पहुंच चुके हैं। और मुसलमान कहां, भारत का मुसलमान या पाकिस्तान का मुसलमान या तो लुंगी डांस में अटका है या तो हिजाब में अटका है। क्यों? मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ। प्राउड मोमेंट ऑफ भारत, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मेजर राधिका सेन, ये भारत के इतिहास की दूसरी महिला है जिनको ये अवार्ड मिला है और यंग है, मेरी तरह यंग है, एकदम कम एज की, इवन मुझे लगता है कि मैं उससे बड़ी होंगी 2-4 साल की। और उसको मतलब यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। अब मैं दूसरी चीज आपको बताती हूँ, हमारे भारत देश में 8000 टीचर को AI की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो बच्चों को सिखा सके कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कैसे बनाए जाते हैं, रोबोट्स कैसे बनाए जाते हैं। उसके बाद फिर तीसरा नंबर, वर्ल्ड फर्स्ट रॉकेट विथ 3D प्रिंटेड इंजन, ये हमारे भारत में, और सब यंग साइंटिस्ट हैं, सब के यंग साइंटिस्ट हैं। इंडियन स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट रॉकेट हुज इंजन इज फुल्ली 3D प्रिंटेड। इंडिया वाज लॉन्च्ड द धनुष, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड धनुष नाम से। अब मैं आपको बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस में हमारी बेटियां और हमारे बच्चे तरक्की कर रहे हैं, हमारी बेटियां जो हैं वो बहुत आगे निकल रही हैं। कनास के फिल्म फेस्टिवल में अनासिया सेन गुप्ता ने द बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड लिया है। वेरी गुड। फर्स्ट इंडियन फिल्म, चार लड़की औरतों ने बनाया, और पता है साड़ी पहनने वाली, बिंदिया लगाने वाली, कोई मॉडर्न नहीं, साड़ी और बिंदिया वाली, चार महिलाओं ने ऐसा फिल्म बनाया कि कनास के ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड उनको मिल गया, कनास फिल्म फेस्टिवल। वाह, बड़ी बात। हाँ, कौन से दुनिया में मुसलमान अटके हुए हैं? तुम्हारा आंचल क्यों सरक गया, तुम्हारा क्लेवेज क्यों दिख रहा है, तुमने गला का बड़ा क्यों पहना है, तुमने हिजाब क्यों नहीं पहना है, तुमने बिंदी क्यों लगा ली है, तुम तेज क्यों बोलती हो, तुमने लिपस्टिक बहुत डीप क्यों लगाया है, तुम ऐसे क्यों चल रही हो, तुम पढ़ाई क्यों कर रही हो, तुम कोएडुकेशन में क्यों जा रही हो, मतलब हर एक एंगल से मुसलमान लड़कियां मुसलमान मर्दों की नजर में आवारा और बचलन ही होती। अच्छा, मैंने उन लड़कियों को भी देखा है जो बड़ी डरी सहमी होती है मुस्लिम बेटियां, जो बड़ी अपने आप में बिल्कुल अंदर छुपी हुई होती है पर पढ़ना चाहती है, तो जब वो पढ़ती है तो भी उनके ऊपर एलिगेशन होता है, जब वो समाज मुस्लिम कम्युनिटी के डर से घर में बैठ जाती है तो फिर उनके ऊपर एलिगेशन लगता है। आजकल पड़ोसियों को खुश कर रही है, आजकल अपने घर में ही सबको खुश कर रही है, ऐसे केसेस मैंने देखे हैं, ऐसे ही मुसलमान बेटियों को सुसाइड करने के केसेस मैंने देखे हैं। क्या मिल रहा है ये सब करके, जिस हिसाब से इन फ्रंट ऑफ कैमरा वो पोएट बदतमीज, वो जो कह रहा है बड़ी बदतमीज हो, तुम बदतमीज तो हो, जो तुमको आइडिया नहीं है कि एक बच्ची से, एक महिला से, एक औरत से कैसे बात की जाती है तमीज से। अगर वो बच्ची उल्टा ये कह देती कि बदतमीज तो आप है, तो अगर मेरे जैसी 10 लड़कियां अगर पाकिस्तान में आ जाए तो मुझे लगता है कि भाई और हो जाएगा। आपकी कमी वैसे बहुत महसूस हो रही है मुझे पाकिस्तान में ना, इस तरह की कोई एक भी महिला नहीं है कि जो जालिम लोग है जो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं कि हम महिलाओं से बहुत सुपीरियर हैं, उनको रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पर, कोई इनके ऊपर बात करने वाला नहीं है, सारे इनके फेवर में है कि हाँ ठीक है जी, इसने सही कहा, वो लड़की को ये सवाल करना ही नहीं चाहिए था, पूछना ही नहीं चाहिए था, इस तरह की बातें हो रही है यहाँ पे। तो
दूसरा आपकी कमी मैं समझता हूँ कि अगर आप आ जाए यहाँ पर तो ये इनका काम इसका सब, इनका सफाया हो जाए। आई एम वेरी हैप्पी इन भारत। दूसरा सवाल मैंने एक बच्ची का सुना जो व्हाइट कलर के ब्लेजर में थी कि खुला मुस्लिम महिलाएं नहीं लेती हैं क्योंकि उनको ये डर रहता है कि खुला लेने के बाद उनको बच्चे के साथ निकलना पड़ता है। बहुत खूबसूरत सवाल था उसका। आई विश के मैं जवाब देती उसको। तो उसने कहा कि खुला मुस्लिम महिलाएं नहीं लेती, और एग्जैक्टली हमारे भारत में भी खुला के केसेस 0.1% होंगे शायद, लेकिन तलाक के तो बल्क में केसेस होते हैं। तो क्योंकि एक डर रहता है मुस्लिम लड़कियों को कि हम जब खुला लेंगे अपनी मर्जी से, बहुत सारे मतलब सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज और असल्ट और अब्यूजिव सिनेरियो के बावजूद भी खुला लेंगे तो बच्चा समेत हमको निकलना पड़ेगा, और अगर नहीं भी बच्चा है तो भी अगर हम निकलते हैं तो कोई दूसरा मुस्लिम लड़का शादी नहीं करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में है। लग जाता है लड़की के, लड़की के ऊपर धब्बा लग जाता है जी। ये देखे बेशक जो उसका हस्बैंड है वो शराबी हो, वो जुआरी हो, वो क्रिमिनल हो, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, इल्जाम सारा का सारा लड़की के ऊपर आएगा। हाँ लड़की ऐसे थी, लड़की बदचलन थी, लड़की की किसी और के साथ चक्कर था, लड़की ये कर रही थी, लड़की वो कर रही थी, सारा का सारा इल्जाम वो उस जो तलाक लेने वाली है उसी के ऊपर लग जाता है। इसकी क्या रीजन है ये भी थोड़ा। हाँ तो मैं उसको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, फिर इस बात को मैं क्लियर कर देती हूँ। तो उस आवारा अब्दुल्ला और चर्सी ने जवाब दिया कि इस्लाम तो ये कहता ही नहीं है कि तुम पहली बीवी से इजाजत लो दूसरी शादी करने के लिए। अब भाई मैं इस चर्सी का, आवारा अब्दुल्ला का इस्लाम मानूं या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रसूल और पेशन गोइयों का को मानूं मैं? क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 निकाह किया और 12 निकाह में हमेशा पहली बीवी से उन्होंने इजाजत लिया, हमेशा, और एक्सक्यूजेस के साथ वो निकाह जायज होता है कि आप क्यों दूसरी शादी कर रहे हैं, आप क्यों तीसरी शादी कर रहे हैं, आप क्यों चौथी शादी कर रहे हैं। आपके सामने अगर मौजू और हालात ऐसे आ जाते हैं कि सामने लड़की यतीम है, लावारिस है और इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, तो आप अपनी निकाह में ले लो। अब जमाना इतना मॉडर्न हो चुका है कि भाई अगर मुजफ्फर भाई आपके पास अगर कोई 15 साल की बच्ची आती है तो आप उसको निकाह में ना लेकर के आप उसको एडुकेट कर देंगे और कहेंगे बेटा अब तू अपने से अपने आप को संभाल ले, तुझे किसी के निकाह में आने की जरूरत नहीं है, और अपने अब्बा के उम्र की तो उम्र के आदमी के साथ तो बिल्कुल भी आने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही। अब मैं आती हूँ आपके सवाल के जवाब पर। पहले तो उस चर्सी का मैंने जवाब दे दिया, अब आती हूँ मैं आपके सवाल के जवाब पर। देखिए सबसे पहली बात है कि 1450 साल से औरत को लौंडिया और बांदिया ही रखा गया है। 1450 साल से जब हम मुगलों में चित्र देखते हैं, मुगल पीरियड के चित्र देखते हैं, तो देखिएगा आपके कोई भी मुगल पीरियड में जो मुसलमान महिलाएं हो रही हैं वो नाचती भी दिखाई देती हैं, वो गाती भी दिखाई देती हैं, वो मुजरा करती भी दिखाई देती है। एक भी चित्र आप मुगल पीरियड का इतिहास के पन्नों में उठा करके आप नहीं देखिएगा कि मुगलों की कोई बीवी जानमाज पर दिखाई दे रही है। मैं चैलेंज करती हूँ और जिसको जिसको फैक्ट चेक करना है, चाहे जुबैर को चाहे ध्रुव राठी को, वो प्लीज चेक करें, और इंटरनेशनल लाइब्रेरी से या दिल्ली के कई लाइब्रेरी से, इवन मैं ये भी कह दे रही हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी से या जवाहरलाल नेहरू लाइब्रेरी से आप उठा करके आप इतिहास के सारे पन्ने खोलिए, आपने कभी नहीं देखा होगा। और मैं पूरी चैलेंज के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रही हूँ कि मुगल के जितने भी चित्र हैं उसमें औरतें नमाज पढ़ती भी कहीं पर भी दिखाई नहीं दी है, वो या तो घर का काम करते हुए या तो मुजरा या नाचते गाते हुए वो दिखाई दी है, और या तो शाहजहां के चैप्टर पर जब आप आइएगा तो वो पट्टे पर बैठी भी दिखाई दी है, कंधे पर नाचती भी दिखाई दी है, यही सारे चित्र बने। हालांकि किसी के ऊपर ये एलिगेशन नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि 5 मुसलमान शिक्षा मंत्रियों ने ही इसको बनाया है, तो मुसलमान शिक्षा मंत्री ने बनाया है तो उस पर तो कोई एलिगेशन लगाया नहीं जा सकता किसी और धर्म का, है ना। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा
नाजिया खान जी ने खुद अपने ही मजहब के ठेकेदारों और इन शांति दूतों को एक्सपोज किया जो महिलाओं को अपने पांव के जूती समझते हैं। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि मौलाना मर्दों को यह सिखा रहे हैं कि अगर आपने दूसरी शादी करनी है तो पहली बीवी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और जबरदस्त वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।